यहाँ आपको हर 50 मीटर पे ये मिल जाएंगे त्रिपाल, यहाँ पे आप फिर चला जाएगा कैसे। हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और दिन में। और बैग में हमने रख दिया, रात भर हमें यहीं पे सोनप्रयाग में रुकना पड़ा। और डोरमेट्री की बात करें, डोरमेट्री 300 रुपये में एक कोना मिल गया सोने का, बस इतनी जगह मिली है। देखो भाई साहब, इतनी लंबी लाइन लग रही है और ये करीब करीब किलोमीटर लंबी लाइन है। और लग किसके लिए है? टैक्सी के लिए। और अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और वेरिफिकेशन कराना, तो वेरिफिकेशन की लाइन ये रही, यहाँ पर लग रही है वेरिफिकेशन होगा। अरे ये जो आपने अभी एक ट्रांजिशन देखा रात से दिन का, तो सुबह के 3 बजे थे, सुबह 3 बजे मैं लाइन में लगा और मुझे 1.5 किलोमीटर आने में, यानी कि 1.5 किलोमीटर की लाइन में ही करीब 3 घंटा लग गया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, मतलब 2.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ से अभी तक हम लाइन तक पहुँच ही नहीं पाए हैं जहाँ से हमें टैक्सी लेनी है। देखते हैं कितना समय लगने वाला है। और बाकी महादेव की मंजिल दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। तो ये है वो सोनप्रयाग का पुल, इसके बाद से जो है यहाँ से आपको टैक्सी लेनी होगी, जो टैक्सी आपको छोड़ेगी गौरीकुंड। लेकिन सबसे बड़ा टास्क आपका यही रहेगा कि आप इस पुल तक पहुँच के दिखा दें। वो तो मैं सुबह 3 बजे लाइन में लगा तब जाके मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ 6:30 बजे तक। लेकिन अगर आप शुरुआत ही सुबह 6:30 बजे करेंगे तो आप फिर जान सकते हैं कि आपको जो है दोपहर के 2 या 3 बज जाएंगे इस पुल तक पहुँचने में। तो ये है टैक्सी जिसमें हम बैठ गए हैं। और टैक्सी में क्या है कि 5 किलोमीटर के आपके 50 रुपये लगने वाले हैं। और अगर बात करूं कितने लोग बैठते हैं इसमें, तो आप ये चीज़ खुद ही देख लो। मैं अभी कैमरा घुमाता हूं और आपको दिखाता हूं सामने नदी की। ये देखो, इसमें करीब करीब 3 तो आगे बैठेंगे, बाकी 4 पीछे और 4 पीछे, तो देख लो 8 या 12, यानी कि 12 लोग, 8 × 3 = 11, एक ड्राइवर, 12 लोग बैठते हैं एक ही टैक्सी में। चलो जी, हमारा ट्रैक हो चुका है स्टार्ट और गौरीकुंड में होऊंगा। अभी आगे तक का ट्रैक पूरा दिखाऊंगा इसी वीडियो में, और साथ ही वीडियो के लास्ट में दर्शन भी कराऊंगा भोले बाबा आगे। आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं 16 किलोमीटर और आ गए हैं। देखो जी, गौरीकुंड में अभी और मार्केट पहली मार्केट है। जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा सामान, क्योंकि उतनी ज़्यादा थकान होती जाएगी और ऊपर चीज़ें पहुँचाना बड़ी मुश्किल है, इसलिए चीज़ें महंगी हैं ऊपर। अभी केवल 1 किलोमीटर पार हुआ है और समय लग गया 40 मिनट 1 किलोमीटर में, तो 16 किलोमीटर है। अब मैं 2 किलोमीटर में 1 घंटा मान चल रहा हूँ, 16 घंटे में 16 किलोमीटर में 8 घंटे लगेंगे। 6 बजे शुरू करा, 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे, देखते हैं बाकी कहाँ तक एनर्जी रहेगी। केदारनाथ 13 किलोमीटर, जंगल चट्टी 1 किलोमीटर। जब आप यहाँ तक आ जाओ और हाथ पैर थक चुके हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपने घबराना नहीं है। अभी 13 किलोमीटर और है, अभी और चल के जाना है।
इतना देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। बस हौसला रखो, जब इतना 2 किलोमीटर चला आए हो तो आगे भी चल जाओगे, क्योंकि जो टेम्पल है वो घाटी में है और घाटी ऐसे नीचे रास्ता जाएगा, यानी कि करीब करीब अभी 6 से 7 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद हो सकता है डिक्लाइन आ जाए। देखते हैं और दिखाते भी हैं। ओ जी, चढ़ाई के बाद करीब आधा किलोमीटर बाद रास्ता ऐसा आ गया, हल्की हल्की ढाल, क्योंकि मंदिर जो वैली में है यानी केदार घाटी में है, और घाटी कहाँ होती है, पहाड़ों के बीच में, तो पहले चढ़ के जाना होगा, उसके बाद उतर के नीचे घाटी में जाना होगा, समझे। छप्पर चढ़ कर रहे हैं, गिर रहे हैं, वहां पहुंचना है। साढ़े 5 किलोमीटर चलाए केदारनाथ, 10.5 किलोमीटर। पिछले 3 घंटे से जिस इसका इंतजार कर रहा था वो आ गया, भीमबली के बाद से जो रास्ता है वो अलग अलग हो गया। ये खच्चरों के लिए दर्शन निकल गया रास्ता, दर्शन निकल रहे हैं खच्चर वाले, ऊपर पैदलों का अलग हो गया। इससे एक चीज हो जाएगी कि कीचड़ जो हो रही है ना फालतू की, वो कम रहेगी आगे। नहीं, कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, लो कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, जबकि ये बना दिया खच्चर वाला अलग। अरे खच्चर इस रास्ते जा रहे हैं, इन कुछ खच्चर इस रास्ते से भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नया रास्ता बन गया है, लेकिन नए रास्ते कोई फायदा नहीं है। और एक बात बताऊँ, यहाँ आपको हर 50 मीटर पर ये मिल जाएंगे त्रिपाल, यहाँ पे आप खा सकते हो, पी सकते हो और थकान लौटा सकते हो। देख रहा हूँ मैं, दूसरी बार देख रहा हूँ, पहले हेमकुंड साहिब में देखी थी, दूसरी बार यहाँ देख रहा हूँ। अब आगे एक बार वैष्णो देवी, 12 किलोमीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर कुछ रास्ते, कुछ शॉर्टकट ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन जो मजा है वो ऐसी में है ना कि ऐसी में, क्योंकि हमें वहां तक जाना है, वहां तक हमें ऐसी रास्ता लिखनी पड़ेगी तभी हमें मजा आएगा। ये वो एनिमल लवर हैं जिनका जो प्यार है केवल कुत्ते और बिल्लियों के लिए दिखता है, बाकी जानवरों के लिए नहीं दिखता। इनके लिए जो एनिमल है वो केवल और केवल, वो सब छोड़ो, सामने देखो भाई साहब, सुगम स्वर्ग तो अब आया रास्ता। ये देखो क्या खूबसूरत रास्ता है, मैंने कहा नहीं था कि मंदिर वैली में है, अब केवल वहां तक चढ़ाई और रह रही है हमारी, जो करीब होगी 2-2.5 किलोमीटर की, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बाबा के पास। देखिए, मंजिल दूर है, जाना जरूर है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना भी जरूर है, क्योंकि जब आप किसी और की वीडियो देखते हैं तो आपको वो केवल ग्लिम्स दिखाते हैं और जो मतलब ब्राइट चीज़ें हैं वही चीज़ें दिखा देते हैं, ना कि पूरे ट्रैक की सच्चाई कि मतलब कितनी कठिनाई आती हैं
वो सभी चीज़ें भी आपको खैर एक्सेप्ट करनी चाहिए और देखनी भी चाहिए कि कितनी मेहनत से जो लोग हैं जो ये जाते हैं, घोड़े लेकर जाते हैं, खच्चर लेकर जाते हैं, जो कुछ लोग उठाकर लेकर जाते हैं, उन लोगों को किस प्रकार की परेशानी आती है। बराबर में बर्फ़ है, दोनों तरफ से बर्फ़ है, बर्फ़ के बीच में से काट के रास्ता बनाया गया है। लेकिन आप कीचड़ भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ हो रही है, दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ काट के रास्ता बना रखा बीच में, लेकिन रास्ते में फिसलन बहुत है। ये देखो इतनी बड़ी कीचड़ हो रही है, ये बर्फ अब मुश्किल से 1 किलोमीटर की और चढ़ाई है, तो ढलान ढलान है, ढलान ही ढलान है। मतलब अगर एक्सप्लेन किया जाए ना तो 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, 1 किलोमीटर की ढलान है बस। देखो जी रास्ता दिख रहा, हाँ दिख ही रहा होगा वीडियो में। भाई साहब ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होता है कि जीवन में पहली बार आकर जो देख लिया सो देख लिया। एंड हाँ, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, संपूर्ण यात्रा करके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बजट से लेकर पूरा रूट बताया है किस किस तरीके से आप आ सकते हैं, कितना बजट रहने वाला है आपका, और परमिट यानी परमिशन और टाइमिंग सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो सर वीडियो को भी देख लेना ध्यान से। मात्र 1.5 किलोमीटर रह गया, लगभग लगभग पहुंच गए यहाँ से 1 किलोमीटर और तक आ गए, अब बस 500 मीटर और, हेलीपैड से 500 मीटर और आगे बाबा का दरबार। देखो कभी किसी के साथ में आते हैं ना तो हम क्या है कि किसी या कोई आया है बाहर से या अपने शहर से आया तो उसकी कंपनी नहीं मिल पाती हमें, तो यहाँ पे हमें भाई मिले हैं दिल्ली वजीपुरा से, और मैं सोलो आया हूँ। और अकेले आने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जहाँ मन चाहे वहाँ घूमो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाओ, अगर साथ में कोई होता तो भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है। तो साथ का भाई कह रहा था, ये कह रहे थे कि भैया मैं नहीं जा रहा, तो कोई बात है अकेले आओ अगर कोई नहीं आना चाह रहा तो। हाउ चलते हैं और आपको दिखाते हैं भीमशिला। भीमशिला ये वो पत्थर है, वो चट्टान है जिसने 2013 की त्रासदी में बाबा केदारनाथ की रक्षा की थी। ओहो
जय बाबा की। यह श्री आदि आदि शंकराचार्य समाधि, उठा शंकराचार्य समाधि है ये तो। बाकी मैं मन में कोई ऐसी ख्वाहिश लेके नहीं आया, मुझे बस दर्शन करने थे इसलिए आया हूँ मैं। हमारे दर्शन हो गए, अब हम निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। आज शाम तक ही पहुंचूंगा सोनप्रयाग और आज रात रुककर कल सुबह निकल दूंगा ऋषिकेश के लिए, जहाँ कल एक कोना मिला था सोने के लिए, आज फिर एक कोना देख लेंगे 300 रुपये में, क्योंकि बजट बहुत टाइट है अपना और टाइट बजट चलना है। उसके बाद हमें बद्रीनाथ भी जाना है, हेमकुंड भी जाना है, तो ना 1080p में अच्छी नहीं आ रही। देखो जी केदारनाथ के पैदल ट्रैक में जो है चढ़ाई है ऑलमोस्ट नहीं एटलीस्ट बोलूंगा मैं, केवल 1 किलोमीटर की वो है ढलान, बाकी तो जो है चढ़ाई है। तो बस सारी चीज़ दिखा दी है, चढ़ाई करते समय वीडियो बना ली थी मैंने। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और हाँ पहली बार चैनल को देख लो, सब्सक्राइब करवाओ, 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी से भाई के, बहुत बड़ी चीज़ आएगी इस चैनल पर, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए पहले, ठीक है। शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा और मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना मिल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह के ट्रैक का भी आपको सामना करना पड़ेगा, जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब बाबा के दर्शन करके आएंगे तो बाबा ने जो रास्ता है वो काफ़ी सरल बना दिया है, आराम से जाओगे पता नहीं चलेगा। ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन इस वजह से नहीं लगी है कि कोई चेकिंग कर रहा है कुछ हो रहा है, लाइन इस वजह से लगी है कि हमारे कुछ सो कॉल्ड एनिमल लवर एनिमल से प्यार कर रहे हैं, समझे। ये ऐसे मैं जब ट्राई करके गया था तो प्राण रास्ते से गया था, लेकिन जब उतर रहा हूँ वो गलती से उतर रहा हूँ, मन नहीं रहता रास्ते से, मैं आना भी चाहता था क्योंकि ये लंबा रास्ता है, लेकिन गलती से ही सही घोड़ा गिर गया, अभी खड़ा हुआ उठ गया, तो गिरा तो नहीं गया, अभी खड़ा हुआ उठ गया, तो गिरा तो नहीं देखो जी। घोड़े में ये रिस्क रहता है अगर बारिश हो रही है तो फिसल गया, वो उनकी लग भी गई गिरती गिरती, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी चल रास्ते से आगे एक चीज तो कर लिया, पुल मिल गया वाला, देखो सामने का ये देखो मंदाकिनी रिवर अपने फुल जोश में आ रही है, फुल फ्लो में। देखो वो अच्छा हुआ कि दर्शन हो गए बढ़िया से, बाकी बारिश पड़ रही है बहुत तेज, आवाज़ सुनाई आ रही होगी। देखो जी हमें जाना है गाजियाबाद है यहाँ से 442 किलोमीटर पूरा, जो कि एक दिन में नहीं। और देखिए अब हमारी यात्रा जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारे कुछ फोटोज हमने जो रास्ते में लिए थे, कुछ मंदिर के पास लिए थे मैंने, और कुछ जो हम पूरा सफ़र किया उस दौरान लिए थे। तो ये थी हमारी यात्रा, काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मज़ा आया, एंड ठंड थी इस वजह से मैं जूते नहीं उतारे। बाकी अगर मंदिर के लिए जाना है तो आपको आप जूते वहाँ पर जमा करवा के जा सकते हैं, मैं बाहर के एरिया में था, कॉम्प्लेक्स में था, इसी वजह से जूते आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोटोज़ में आपको जूते दिखाई दे होंगे, बट
सभी लोग पहने हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है उस समय पर। और ये है हमारा छोटा सा कोना जो कि मुझे 300 रुपये में मिला है। ये कोना छोटा सा एक बेड सा मिल जाता है, काइंड ऑफ जैसे यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं ऐसा मिल जाता है 300 रुपये में। एक रात आपको काटनी है एक में ही, कम से कम 20-25 लोग एक ही रूम में सोते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रूम काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 1500 से लेकर 2000 के बीच में रूम है। मैंने बाकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, बाकी क्रेडिट सारी चीज़ें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।